अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द इंस्टाग्राम मार्केटिंग लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डिफरेंट होते हैं। फेसबुक पे हम एक प्रोफाइल बनाते हैं और उस एक प्रोफाइल से हम अनलिमिटेड पेजेस बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर हमें एक पेज बनाना है तो हम पहले उसका एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। हर पेज के लिए आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करके फिर आप उस नए अकाउंट को पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में जो है वो चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? आप एक फेसबुक पे बल्कि डिफरेंट होता है कि आपने एक अकाउंट बनाया उसे अनलिमिटेड पेजेस आप बना सकते हैं, जितने मर्जी बनाए। लेकिन इंस्टाग्राम पे हर अगर आपने एक से ज्यादा पेज बनाना है हर के लिए आपको अकाउंट नया बनाना पड़ेगा विद न्यू ईमेल एड्रेस विद न्यू एवरीथिंग। ठीक है, हमारा पहला स्टेप है यूजर नेम क्रिएट करना। मैंने यहाँ पर बुक शॉपर्स रख लिया, हमने फेसबुक पे भी बुक शॉपर्स के नाम से क्रिएट किया था तो मैंने यहाँ पे भी वही रखा है। अच्छा, आप उन्होंने मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया कि जी ये तो नहीं अवेलेबल, ये सारे अवेलेबल है, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें। मैंने अभी फॉर द टाइम बीइंग बुक शॉपर्स कर लिए, बुक डॉट शॉपर्स। आप जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो खुद भी डिफरेंट और टाइप कर देख सकते हैं कि कौन सा आप लोगों का चलता है। अभी ये इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, ये लोड हो जाए नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, देन आई विल गाइड यू कि अब नेक्स्ट क्या करना है। आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, जैसे बुक शॉपर्स। अच्छा, प्रोफेशनल रखिएगा, कोई बहुत अजीब सा ना रख दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ईमेल या फोन नंबर अटैच करने का। मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दिया, मैंने एक ऐसा ही ईमेल एड्रेस बना लिया था। यू हैव टू मेक अ प्रोफेशनल वन, ऐसे ही मत बनाइएगा जैसे मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस देकर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपके ईमेल के ऊपर एक कोड भेजेंगे। ठीक है, जो कन्फर्मेशन कोड हमने यहां पर डालना है, ये अब जो है मुझे ईमेल सेंड करेंगे। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये देखें, अब यहां पर मुझे इंस्टाग्राम का इन्होंने कोड सेंड कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम का यहां से कोड देखा 432970। मैं वापस गई इंस्टाग्राम पर और मैंने यहां पर जो है 432907 जो है वो कोड डाल दिया, इनवैलिड कोड। आई थिंक मैंने वहां से गलत देखा है, लेट मी चेक अगेन। ओके, इट्स 70। ओके ओके ओके, ठीक है जी, 70 यहाँ पर हमने डाला, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ट्राई अगेन। ओके, अच्छा जी, मेरे ना अकाउंट का कुछ इश्यू हुआ है, मैं कोई भी नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रही, शायद मैंने बहुत ज्यादा अकाउंट क्रिएट किए हैं, इस वजह से है ये ऐसा। मेरे पास बहुत बहुत ढेर सारे अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं, या नहीं भी बने हुए तो मैंने लॉग इन किए हैं। ठीक है, तो और मैंने अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे क्रिएट किए हैं, तो जब आप एक ही एक्टिविटी बार बार करते हैं तो ये इश्यू आ जाता है। बट चलें, इट्स ओके। अब आप लोगों का जो है, आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा एक। अब वो अकाउंट कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हियर यू गो। अच्छा, अब अकाउंट आपका ऐसा दिखता है, मैंने वीडियो को पॉज कर आप लोगों को दोबारा से दिखाया है। मैंने ये अपना एक पुराना अकाउंट जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करके उसका सब कुछ एडिट वगैरह करके बुक शॉपर्स उसका नाम रखकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4 to 5 स्टेप्स आ रहे हैं। पहला है कि आपने अपना पिक्चर ऐड करनी है, अब आप अपना वो लोगो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर आप लोगों को बुक शॉपर्स के ऊपर ये देखेंगे जो है ना, यहाँ पे जो पिक्चर लगेगी। फिर बायो, जैसे फेसबुक के पेज की डिस्क्रिप्शन होती है ना, वैसे इंस्टाग्राम पेज का बायो होता है, तो जो आप फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वही आप यहाँ पे लिख दें। फिर है जी, आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं अपने पेज को फॉलो करने के लिए, और यहाँ पे फिर आपने नेम क्रिएट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी बुक शॉपर्स क्रिएट कर चुकी हूँ। ठीक हो गया, अब जो है हमारे पास एडिट प्रोफाइल पे हम चलते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वेबसाइट और बायो का, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिख रही होगी स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जैसे मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट से आपको बिजनेस प्रोफाइल बनानी पड़ती है, ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे, ये देखें, ये जो लिखा हुआ है हमने इस पे क्लिक करना है। हमने इस पे क्लिक किया, वो हमें बता रहे हैं कि जी प्रोफेशनल अकाउंट बनाने से आप ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, इनसाइट्स देख सकते हैं, ज्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने करनी है अपनी सिलेक्ट कैटेगरी। फेसबुक पेज बनाते वक्त हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ना, वैसे यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सर्च कर आप इजीली कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा बुक स्टोर है, लेट मी टाइप बुक, बुक सीरीज, बुक स्टोर, हियर वी गो, बुक स्टोर मैंने सिलेक्ट कर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग ओके, आप यहाँ पे ओके क्लिक कर दें, अपने अकॉर्डिंग आप लोगों की जो भी नेच है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज सेल करें उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया जी, इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स टू लोड। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, क्रिएटर या बिजनेस। बिजनेस वो लोग हैं जो कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करें, क्रिएटर जो यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम वीडियोज के लिए यूज करें। अगर आप कुछ सेल करें, और हम ऑब्वियसली फेसबुक पे भी चीजें सेल ही कर रहे थे, सब बुक्स हम सेल करें, तो हम
बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी बिजनेस है, जो भी चीज है वो सिलेक्ट कर आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आती है अपना ईमेल एड्रेस या बिजनेस नंबर या फिर एड्रेस देने की, मतलब जो एड्रेस होता है, मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ। नंबर आप लोग देना चाहें तो नंबर दे दें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी, बिजनेस ईमेल यहाँ पर मैंने डाल दी, वो ही नॉन प्रोफेशनल थी। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। आप लोग जो हैं वो फेसबुक से कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, यहाँ से स्किप कर दें इसको, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फेसबुक से पेज सेटिंग्स में जाकर वहां से इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करें वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, वहीं से आप लोग करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्किप पे क्लिक करते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि जी आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीट कर लें, मतलब बायो वगैरह एड कर लें। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर बायो वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट जैसे ऑप्शनल है। फिर वो आपको कह रहे गेट इंस्पायर्ड, मतलब आप और लोगों को फॉलो कर लें। नंबर थ्री पे ग्रो योर ऑडियंस, मतलब लोगों को इनवाइट कर लें कि वो आपका पेज लाइक करें। फिर आपके पास आता है कि आप कंटेंट अपलोड कर लें। उसके बाद नीचे आपके पास आता है कि आप जो इसके प्रोफेशनल टूल्स हैं जो हम आगे जाके खुद ही एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आप कर लें। ठीक हो गया जी, अब आपके पास एक ऐसी प्रोफाइल सी बन जाएगी। पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा था सिर्फ एडिट प्रोफाइल का, अब प्रमोशंस का और इनसाइट्स का भी आ रहा है। एडिट प्रोफाइल आपको पता है क्या है? ठीक है, उसमें अब आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको वेबसाइट और बायो के साथ और चीजें शो होंगी, आपका पेज, आपकी कैटेगरी, आपके कॉन्टेक्ट ऑप्शन और आपके प्रोफाइल डिस्प्ले। कॉन्टेक्ट ऑप्शन आप जाएंगे तो आपको वो ईमेल देगा। प्रोफाइल डिस्प्ले पे मैं क्लिक करती हूँ। अब ये देखें, अगर यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिस्प्ले कैटेगरी लेबल, कैटेगरी लेबल ये देखें, आप कैटेगरी लेबल पे टिक करने से मुझे बुक स्टोर नजर आए। अगर आप चाहते हैं बुक स्टोर आपकी प्रोफाइल पे आपका लेबल कैटेगरी शो हो तो इसको टिक कर दें। अगर चाहते हैं ईमेल का ऑप्शन भी दिखे कॉन्टेक्ट इन्फो का तो उस पर भी टिक करके इसको डन कर। ठीक है, फिर वो आपकी प्रोफाइल पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। देखें बुक स्टोर भी लिखा रहे और ईमेल का भी अब ऑप्शन आ गया आपके पास। अब हम चलते हैं इनसाइट्स में। यहाँ से आप इनसाइट्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट अच्छा परफॉर्म करी, कितने फॉलोअर्स, कितनी रीच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं ईमेल बुक स्टोर को ना करना तो इट्स टोटली अप टू यू कि वो ना शो हो तो उनको मत चेक करिएगा। फिर चलते हैं जी प्रोमोशंस में। प्रोमोशंस क्या है? प्रोमोशंस है एड्स, यहाँ पे प्रमोशंस को, एड्स को प्रमोशंस का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ईमेल और बुक स्टोर अगर आप लोग चाहते हैं कि ना डिस्प्ले हो तो जैसे मैंने उसको क्लिक कर दिया था उस बटन पे, वो आप ना करिएगा तो वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारे प्रमोशंस के टैब के ऊपर और हम लोग जो है प्रमोशंस क्रिएट करते हैं। जाने से पहले ना जरा मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास जो है ये होम का बटन है जिसपे आप होम पर चले जाएंगे तो जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। ये एक्सप्लोर का ऑप्शन है, इस पर आप जाकर लोगों को सर्च कर सकते हैं और लोगों की चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास ये वाला बटन है जिधर कौन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आता है जिधर जाकर आप अपनी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम सो सॉरी वो वीडियो है तो इस वजह से आप लोगों को आवाज आ गई है। ठीक है, वो भी अभी इसी जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करें इसी का पार्ट वन है वो। अच्छा, अभी आप लोग इसकी आवाज को थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। अच्छा, इसमें हम ऑप्शन पे जाएंगे, हमने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लें। कुछ चीज़ें हिडन है बिकॉज दे आर माई पर्सनल पिक्चर्स तो वो ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। आपने यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये पिक्चर है। अच्छा, ये आपके पास के पास नीचे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास पोस्ट का ऑप्शन है, साथ में लाइव अगर जाना है लाइव का और स्टोरी का। स्टोरी का अगर आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप डिफरेंट फिल्टर और जो जो चीज़ें करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं दोबारा चली जाती हूँ जी पोस्ट पर। पोस्ट पर जाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर ली है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोई फिल्टर ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करना चाह रहे हैं, एडिट में आप एडजस्ट कर सकते हैं इमेज को, आप उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छे इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं पिक्चर्स अपलोड करने के लिए। कुछ आप उसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, कुछ आप करना चाह रहे हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। ये देखें इस तरह से आप लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, इमेज को शार्प कर सकते हैं। आप लोग जाएं इनके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करें। फिर मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जी कि मैं अपना कैप्शन जो है वो लिख लूँ, बेस्ट सेलिंग लिख लूँगा मैं। अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों को टैग करना है वो कर सकते हैं, लोकेशन ऐड करनी है वो कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं करी, हम दूसरे तरीके से ही करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन है कि जी अगर आपने अपना ओके
सॉरी मैंने गलती से क्लिक कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से अपना अगर फेसबुक पेज, ट्विटर और आपके जो भी बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर अटैच्ड हैं तो इंस्टाग्राम के साथ साथ उन पर भी आप अपलोड कर सकते हैं इनके ऊपर क्लिक करके। अब मैंने इसको टिक पे क्लिक कर दिया तो ये मेरी पोस्ट लग गई। अच्छा आप यहाँ पर भी जाकर ना इस ऑप्शन पे जो स्टोरी का और प्लस का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन स्टोरी एंड दिस, इस वाले ऑप्शन से जाकर भी आप लोग चाहें तो अपनी स्टोरी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा अब हमें प्रमोशन क्रिएट करनी है, लेकिन मतलब ऐड लगानी है, प्रमोशन को ऐड कहते हैं। हमें सबसे पहले उसके लिए हमारी कोई पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर के बिना नहीं वो रन होती है, तो मैं ज़रा प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लूँ और फिर मैं आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ। अच्छा जी प्रोफाइल पिक्चर मैंने लगा ली है, मैंने कोई प्रॉपर वो बुक शॉपर्स वाली नहीं लगाई, आप लोग लोगो कैनवा से जनरेट कर सकते हैं। मैंने जी यहाँ पे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स पीपल की लगा दी है, ये लोड हो रहा है, ये ज़रा लोड हो जाए। अच्छा अभी हम ज़रा देखेंगे कि इंस्टाग्राम से कैसे प्रमोशन रन होती है, फिर हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे एक साथ करनी हो तो वो कैसे होती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों पे एक साथ भी हो सकती है फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू, फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू। लेकिन अगर हमने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स इंक्रीज करने हो वो नहीं हो सकते वहाँ से, वहाँ पे हर एड इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे रन हो सकती है सवाय पेज लाइक्स के। तो फॉलोवर्स इंक्रीज करने की जो एड होगी इंस्टाग्राम के लिए वो ऑब्वियसली हमें खुद को रन करनी पड़ेगी। अच्छा जी अब हमारे पास इमेज हो गई है, पहला ऑप्शन तो ये है आप अपनी पोस्ट पर जाएँ, प्रोमोट पर क्लिक करें और आप प्रमोशन क्रिएट कर लें। सेकेंड वे ये है कि प्रमोशंस पर जाएँ, प्रमोशंस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कोई पुरानी कैंपेन्स हैं प्रमोशन हैं उनको मैनेज पर क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं। मैं क्लिक कर रही हूँ, कुछ हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने कोई क्रिएट नहीं की कभी इस अकाउंट से, ठीक है। फिर आप चूज़ अ पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट सेलेक्ट कर अपनी कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहें तो कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लें या चाहें तो किसी पोस्ट को यहाँ से ओपन करके प्रमोट पर क्लिक करके कर लें, ठीक है। मुझे ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल और अच्छा यही लगता है तो मैं यहाँ पर गई, मैंने चूज अ पोस्ट पे क्लिक किया, पोस्ट चूज़ की, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये यहाँ पर जी हमें चीज़ें बता रहे हैं कि आपने अपना आपका गोल क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। गोल्स के बारे में बताया हुआ, पढ़ना है पढ़ लें, नहीं पढ़ना ना पढ़ें। अब आपके पास आता है मोर प्रोफाइल विजिट्स, बेसिकली मोर प्रोफाइल विजिट्स जो हैं फॉलोअर्स के लिए, जितने ज़्यादा विजिट्स आएंगे उतने ज़्यादा फॉलोअर्स आएंगे। अब मज़े की बात यह है कि बेशक यहाँ पे लिखा नहीं होगा कि फॉलोअर्स आएंगे बट आते हैं, मतलब ये है ही उसके लिए क्योंकि मैंने सब रन करके देखी हुई है, मुझे पता है सब कुछ अच्छे से। वेबसाइट विजिट से वेबसाइट पे विजिट करेंगे, मोर मैसेजेस से मोर मैसेजेस आएंगे, हम सब को क्रिएट करके एक एक दफ़ा देखते हैं। मोर प्रोफाइल विजिट्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ऑडियंस, ऑडियंस के लिए आपके पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक, यानी इंस्टाग्राम खुद ही से लोगों को टारगेट करें कि आपके पेज के लिए कौन से बेस्ट लोग हैं। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से दोनों रिकमेंडेड हैं। चाहें तो खुद से मैन्युअली ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस का नाम फॉर एग्जांपल मैंने रख लिया बुक शॉपर्स, लोकेशंस रखी जी पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, लेट मी ट्राई सम सिटी, ओके जी आ गया लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लोकल एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं अपनी करंट लोकेशन के जो आसपास होंगे। अच्छा ये फेसबुक पे ऑप्शन नहीं है बट ये इंस्टाग्राम के ऊपर ऑप्शन है, इंडिकेट है। अब आपकी जो करंट लोकेशन है उसके 5 मिलीमीटर्स के रेडियस के ऊपर या आप ज़्यादा भी करके उन सबको टारगेट कर सकते हैं। करंट लोकेशन पर ना चेक करें और एड्रेस डाल दें यहाँ पर, अब एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहरिया स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ शायद, अच्छा वैसे सब नहीं आते इतना भी मैं बता दूँ और ये आप लोग सोचें सब आएंगे। फैसलाबाद की जो जगह है मैं वो डाल के देख लेती हूँ, फैसलाबाद का तो नहीं मुझे कुछ लगता आएगा, सर्च करने से तो मुझे नहीं लगता आएगा फैसलाबाद का कुछ, आप कहीं और का ट्राई करके देख लें, ठीक है। अच्छा वो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग फिर यहाँ से आप लोकल लोगों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम इस सिटी में रहते हैं और हमने होम डिलीवरी इधर ही करनी है, हम इधर ही चाहते हैं एड रन हो, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू की जा सकती है लोकल एरिया में। यहाँ से जी मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमारी पोटेंशियल रीच भी आ गई। अब हम टिक पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप एज एंड जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे आगे पीछे करके, मेल फीमेल वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू टिक।
इंटरेस्ट, अब यहाँ पे आप डेमोग्राफिक्स वगैरह नहीं ऐड कर सकते, इंटरेस्ट ही ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी ऑडियंस क्रिएट करने का तरीका वही रहेगा कि हम जो हैं वो ऑडियंस इनसाइट्स को ही यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है। बुक्स, रीडिंग, लिटरेचर, अच्छा यहाँ पे मजे की चीज़ है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे खुद से सजेशन आते हैं, आते फेसबुक पे भी हैं बट उतने अच्छे नहीं आते, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने टिक पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपने जो है अपनी खुद की ऑडियंस क्रिएट कर ली, वो आपको ये शो कर रहा है, फिर आप क्लिक टिक पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपका बजट, अच्छा मेरा कार्ड ना ऑलरेडी अटैच्ड है, वरना यहाँ पर आपको ऑप्शन वो ये देंगे कि अटैच योर कार्ड, ऐड अ पेमेंट मेथड। आपने जैसे फेसबुक पे किया था सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे अपना बजट सेलेक्ट करें, डेली का करना है, रिमेंबर डेली होगा, डेली का। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि 210 रुपीज़, अच्छा वो 210 से डेली आपको नीचे करने ही नहीं देंगे, इतना मैं बता दूं। और फिर ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन 30 डेज, डेली 210 रुपीज़, तो 30 डेज़ का आपका टोटल बजट जो लगेगा वो आपको ऊपर शो हो जाएगा और एस्टिमेटेड रीच भी शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप टिक पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से न्यू पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं, और वो आपको यहीं पर कहेंगे कि आप पेमेंट मेथड ऐड कर लें। अच्छा ओके, मेरा एडेड है, मैंने काफ़ी टाइम पहले का ऐड किया था तो इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गई। यहाँ पर वो आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का कहेंगे, पीछे नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे, ठीक हो गया। मुझे ये मेरे पेमेंट मेथड में कुछ एरर शो करे, आई थिंक मेरे कार्ड का कोई इशू होगा, लेट मी चेक। अच्छा जी, मैंने ना अपना कार्ड रिमूव किया है, रिमूव कर मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को ज़रा बता दूँ। यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन और करेंसी जो भी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन है बिजनेस टैक्स इन्फो ना दें, ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करें और यहाँ पे अपने कार्ड का नाम, कार्ड का नंबर, CVV जो कार्ड के पीछे होता है, और अपनी डेट वगैरह डाल देनी है। ऑब्वियसली मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए नहीं डाल सकती, इट्स अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फिर आप क्रिएट प्रमोशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रमोशन भी क्रिएट हो जाएगी और आपने यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। मेरी प्रमोशन इसलिए क्रिएट नहीं हो रही, कार्ड नहीं अटैच हुआ हुआ, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों ने इस तरह से करनी है, मैंने वैसे भी इस ऐड को आप लोगों को दिखाने के बाद बंद ही कर देना था, तो अच्छी बात है कि वो क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, मोर वेबसाइट विजिट्स। मैं वेबसाइट विजिट्स के लिए पहले आपको बटन सेलेक्ट करना होगा, लर्न मोर फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर वेबसाइट का URL डालना होगा, बुक शॉपर्स .com है नहीं कोई, ऐसे ही डाल रही हूँ मैं, ठीक है। फिर आपका आगे सब कुछ वैसे ही है, ठीक है, एवरी थिंग इज सेम, सेम गोज फॉर द मैसेजेस ऐड। फिर भी एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। मोर मैसेजेस, आगे ऑडियंस क्रिएट किया आपने, और ओके अच्छा ओके, मैसेजेस के लिए यहाँ पर मैंने, अच्छा 13 एज में भी कहीं क्यों नहीं हो रहा, मैसेजेस की कैंपेन के लिए अंडर अबव 18 होना ज़रूरी है आपकी ऑडियंस को, ठीक है, रिमेंबर दिस। सेम वैसे ही करना है आप लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे अपनी बजट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके आप लोगों ने कर लेना है। ये था जी इंस्टाग्राम पे करने का तरीका, ठीक है। कैसे वो होगा, ऑडियंस कैसे सर्च होगी, वो वैसे ही होगी जी जैसे हम करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, ठीक हो गया जी। अब हम अपना, मैं चलती हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर आप लोगों को लेकर, और लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर हम ये देखते हैं कि अब हमने जो है वो दोनों पे साथ करनी है, तो वो कैसे करनी है वो अभी मैं आप लोगों को लैपटॉप पर चल के दिखाती हूँ। आ गए हैं जी हम अपनी फेसबुक की लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, एड्स मैनेजर से हमारे पास कितने ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे एड रन करने के, प्रोफाइल विजिट्स विच इज इक्वल्स टू फॉलोवर्स, मैसेजेस कैंपेन एंड वेबसाइट व्यूज। सबसे पहले क्रिएट करते हैं मैसेजेस की कैंपेन, ठीक है, सब पता है कैसे करना है क्या करना है, पिछले 8 लेक्चर में यही डिस्कस किए हमने, ठीक है, तो वो मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग चले नीचे आ जाएं। यहाँ पे नीचे आने के बाद जी यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, मैनुअल प्लेसमेंट्स एंड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, राइट, ये देखेंगे यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, हम चलते हैं मैनुअल प्लेसमेंट्स से। अब मैनुअल प्लेसमेंट से आप नीचे आए तो आपको फीड्स में इंस्टाग्राम फीड दिख रही है, ठीक है, मतलब ये कि अगर हम इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे रखते हैं
तो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस की कैंपेन रन होगी, मतलब हमें मैसेजेस की कैंपेन इंस्टाग्राम के लिए सेपरेटली रन करने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे एड मैनेजर से रन हो सकती है एक साथ. गॉट इट? अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट्स रख रहे हैं मतलब खुद से ऑटोमेटिक, मतलब वो तो जो फेसबुक सिलेक्ट करें, फेसबुक जब सिलेक्ट करता है तो वो इंस्टाग्राम करते हैं वो लोग. आप मैनुअल करें तो रिमेम्बर कि आप इंस्टाग्राम पे चेक लगा लें. अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैसेजेस की कैंपेन हो किसी चीज की भी कैंपेन हो, इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली उतना अच्छा रिस्पॉन्स, अगर आप एड मैनेजर से एड रन कर रहे हैं ना, तो आपको इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस नहीं आएंगे, आएंगे बट बहुत कम आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे. फेसबुक पे अच्छी खासी क्वांटिटी में आएंगे, मतलब अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जी आपको मैसेजेस आएंगे 400, तो आप लगा लें कि 300 to 350 तो फेसबुक पे आएंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत कम आएंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे भी अच्छी अमाउंट के मैसेजेस आए, अच्छे खासे मैसेजेस आए, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम के लिए अलग एड रन करनी पड़ेगी, और वो एड आप जो है एड मैनेजर से ही रन करें, सॉरी इंस्टाग्राम की ही एप्लीकेशन जो है जो अभी हमने डिस्कस किया उधर से ही मैसेजेस की कैंपेन रन करेंगे. ठीक हो गया? हर कैंपेन इंस्टाग्राम पे रन होती है, लेकिन फेसबुक पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इंस्टाग्राम पे कम आता है. इंस्टाग्राम पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की अपनी एप्लीकेशन पे एड रन करें, और उनकी अपनी एप्लीकेशन पे सिर्फ तीन ऑप्शन है, ट्रैफिक, मैसेजेस और फॉलोवर्स. अब मैं ट्रैफिक की एड आपको करके दिखाती हूँ. ट्रैफिक की एड भी आप लोगों में उसी तरह से मैनुअल और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स करके दिखाती हूँ. ठीक है जी, नीचे आते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट्स पे आते हैं, इंस्टाग्राम फीड के आगे चेक लगा हुआ, मतलब वेबसाइट की भी ट्रैफिक एड वहां पे रन होगी, लेकिन अगेन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा जितना इंस्टाग्राम की अपनी एप्लीकेशन से लगाने पे आएगा. राइट? अब चलते हैं पेज लाइक्स की कैंपेन पे, एंगेजमेंट, पेज लाइक्स. पेज लाइक्स इज इक्वल्स टू फॉलोअर्स ना, ठीक है, एड सेट, एड सेट में आए, मैनुअल प्लेसमेंट्स में आए. अब ये एड किसी और जगह रन नहीं होगी सिवाय फेसबुक के. उसकी रीजन क्या है? पेज लाइक्स की एड. पेज लाइक्स होते ही सिर्फ फेसबुक है, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स होते हैं. पेज लाइक्स की कैंपेन के अलावा जो मर्जी कैंपेन रन कर लें एड मैनेजर से, वो इंस्टाग्राम पे रन होगी ही होगी, लेकिन रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आएगा सिवाय पेज लाइक्स के. तो अगर पेज लाइक्स यानी फॉलोअर्स की कैंपेन आपने रन करनी है, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम की खुद की एप्लीकेशन यूज करें, एंड ऑडियंस के लिए ऑडियंस इनसाइट्स ही आप यूज करेंगे. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. डू गिव मी योर फीडबैक अबाउट दिस लेक्चर इन आर व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग. आई होप आप लोगों को इस पूरी ट्रेनिंग में भी बहुत मजा आया होगा. हमने सारी चीजें कवर की हैं फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम का जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो जो चीजें थी हमने वो कवर की हैं. इंस्टाग्राम की हमारी एक चीज जो है वो रहती है विच इज IGTV. IGTV आपने अपलोड जो है उसी तरह से करना है, जो प्लस वाला ऑप्शन होता है उधर से जाके आप IGTV भी अपलोड करते हैं. IGTV के अंदर क्या होता है, इंस्टाग्राम की जो पहले सिंपल वीडियो आती थी उसके अंदर आप 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं अपलोड कर सकते थे. IGTV का ये है बेनिफिट कि आप अब फेसबुक पे भी लंबी लंबी वीडियो, सॉरी इंस्टाग्राम पे भी लंबी वीडियो अपलोड कर सकते हैं लाइक फेसबुक एंड यूट्यूब, एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर कि आप लंबी वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं. गॉट दिस? अच्छा जी, मैं इस लेक्चर को एंड कर रही हूँ. अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं. टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज.